गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जूनियर मैथ क्लास सिक्स सेवन्थ एट के आज आपको हम इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा का पार्ट थ्री बताने चल रहे हैं, जिसमें आपको हम पार्ट वन और पार्ट टू में बताए उसमें कंस्टेंट था, वेरिएबल था, टर्म था और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। तो आज हम आप लोगों को इसमें बताएंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या है? बहुपद है, ठीक है। अब इसमें हम आपको यह बताएंगे, अभी आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे जो उसी से संबंधित, उसी से जुड़ा हुआ ये पॉलिनोमियल्स बहुपद आपका बन रहा है। अब बहुपद में क्या होता है कि सम ऑफ टर्म्स बहुपद क्या है? सम ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। देखिए क्या वो पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या हुआ कि सम ऑफ टर्म्स पदों का योग इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स बहुपद कहलाता है। अगर पदों को जोड़ दिया जाए, पदों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह जो है क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब इसमें क्या हुआ कि सम ऑफ टर्म्स अभी पिछले में जब आपको हम टर्म्स बता रहे थे तो टर्म्स में क्या होता था कि उसमें जो है वेरिएबल और कांस्टेंट का जो है सम होता था, उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिलता था। अब यहाँ पर हम आपको पॉलिनोमियल्स बता रहे हैं तो इसमें जो है क्या हो रहा है कि सम ऑफ टर्म्स टर्म को ही मिला दिया जा रहा है। टर्म में कांस्टेंट और वेरिएबल मिल रहा था, इसमें जो है सम ऑफ टर्म्स हो गया कि अगर पद को क्रमशः आपस में जोड़ते जाते हैं तो वह जो है क्या बनेगा? बहुपद बनेगा। इसमें एग्जांपल यदि आप लोग देखेंगे तो इसका एग्जांपल बनेगा पॉलिनोमियल्स में, जैसे टर्म्स क्या हुआ, या 2x हमारा एक टर्म हो गया, 2x भी एक टर्म हुआ, 2x के बाद जो है अगला मिल सकता है। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे 2x plus 3y plus 5z, ये सब क्या बन रहा है कि टर्म का योग हो जा रहा है, पदों का योग जो है क्या कहला रहा है? बहुपद कहला रहा है। माइनस वाले को ले सकते हैं, माइनस वाले टर्म को, जैसे -x2y + 4x2y2 + 5x2y2 / z2 कर देते हैं। ये सब तो हमारा टर्म ही है, क्या है? टर्म। ये सभी टर्म आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? बहुपद बना रहे हैं, पॉलिनोमियल्स बना रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा, यह टर्म ये सभी जुड़ जा रहे हैं आपस में, जुड़ करके क्या बना रहे हैं? पॉलिनोमियल्स बहुपद बना रहे हैं। तो डिफिनीशन आप देखेंगे, सम ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, जैसे 2x हो गया, फिर अगला एग्जांपल 2x + 3y हो गया, 2x + 3y + 5z है, 2x + 3y + 5z। इसी तरह से -x2y + 4x2y2 + 5x2yz2, यह भी टर्म है, सभी आपस में जुड़ गए हैं तो पॉलिनोमियल्स बहुपद बना, ठीक है। तो डिफिनीशन आप इसकी लिख लें, उसके बाद जो है टाइप्स आपको पॉलिनोमियल्स बताते हैं बहुपद के प्रकार। क्या बताएंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अब आपको बताना है। पहले आप पॉलिनोमियल्स लिख लेंगे, पहले पॉलिनोमियल्स लिख लेंगे, सम ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, उसके बाद तब बताते हैं, इतना नोट कर लें। अब देखिए, हाँ तो देखेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद जो है ये थ्री टाइप्स में बनता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर एक में कहेंगे मोनोमियल, मोनोमियल, नंबर एक मोनोमियल, एम ओ एन ओ एम आई ई ए एल, मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स क्या है, अब थ्री टाइप्स का होता है, मोनोमियल्स है, बेनोमियल्स है, बेनोमियल्स, और तीसरा होगा, तीसरा ट्राइनोमियल्स, तीसरा ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स एक पदी, मोनोमियल्स एक पदी, बेनोमियल्स, बेनोमियल्स द्विपदी, ट्राइनोमियल्स त्रिपदी, यानी एक पद का, दो पद का और तीन पद का। तो एक पद वाले को हम लोग कहेंगे ए पॉलिनोमियल्स है ओनली वन टर्म्स, ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स है ओनली वन टर्म्स, ए पॉलिनोमियल्स है ओनली वन टर्म, वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म, जिस बहुपद में केवल एक टर्म होगा, एक पद होगा, जिस बहुपद में केवल एक टर्म होगा यानी एक पद होगा, वह जो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स, एक पदी, क्या कहलाएगा, एक पदी। जिस बहुपद में केवल एक पद होगा उसे जो है एक पदी कहेंगे। अब जो है इसी तरह से बिनोमियल्स होगा, बिनोमियल्स में कहेंगे ए पॉलिनोमियल्स हैव एनी टू टर्म्स, एनी टू टर्म्स। तो इसे कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल्स, इसी तरह से आपको इसकी भी डिफिनीशन बना लेना है, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म था, इसमें कह देंगे ए पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। जब टू टर्म हो जाएगा तो इसको जो है बाइनोमियल्स कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, एक पदी वाले का 2x या केवल x लिख दीजिए, 5x लिख दीजिए, 7x लिख दीजिए, 9y लिख दीजिए, ये सभी क्या हैं, एक पद के हैं, क्या हैं, एक पद के हैं। बिनोमियल्स में दो पद मिलेगा, बिनोमियल्स द्विपद का होगा यार। जैसे इसमें देखेंगे डिफिनेशन इसकी बना लेंगे बिनोमियल्स में कि ए पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बिनोमियल्स, हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बिनोमियल्स। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे 2x प्लस 7, 2x प्लस 3y, 5y प्लस 7, ठीक है,
तो ये हमारा इसमें कितने टर्म मिले हैं, दो टर्म हो रहा है, दो पद हो रहा है, तो बिनोमियल्स हो गया। क्या होगा? बिनोमियल्स होगा। और इसी तरह से जो है ट्राइनोमियल्स में होगा, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। इसका एग्जांपल बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 8 या ATL प्लस 7N प्लस 12 या 2A प्लस 3B प्लस 6। अब इसमें आप लोग देखते चलेंगे, एक पद दो पद तीन पद, एक पद दो पद तीन पद, इसमें देखेंगे एक पद दो पद तीन पद। तो मोनोमियल्स में क्या होगा? ओनली वन टर्म होगा। मोनोमियल्स में, मोनोमियल्स में ओनली वन टर्म, केवल एक पद होगा, इज कॉल्ड मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स में होगा, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बिनोमियल्स, जिसमें दो पद होता है वह बिनोमियल्स होगा। एग्जाम्पल आपको नीचे लिख करके दिखाए हुए हैं। और ट्राइनोमियल्स में ए पॉलिनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरह से यह आप लोग बाइनोमियल्स, ये मोनोमियल्स की डिफिनेशन लिखे हुए हैं। बिनोमियल्स में आप लोग लिख लीजिएगा भाई, इतना हम आपको हिंट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सेम यही चीजें होगी। ए पॉलिनोमियल्स हैविंग जहाँ ओनली वन टर्म हुआ है वही कर देंगे, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बिनोमियल्स, इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। ए पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बिनोमियल्स। और इसी तरह से इसमें लिख लेंगे, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला टर्म्स बताते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, अब आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लें, आपको क्लियर होता चले जाए। फाइंड द मोनोमियल्स बिनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, यानी एक पदी द्विपदी और बहुपदी को बताइए या लिखिए, राइट दी या फाइंड दी। राइट दी अगर लिखा जाता है तो लिखना है उसमें, फाइंड में से वही करना है हमको, यानी उसको छांट करके कौन कौन सा मोनोमियल्स है, कौन कौन सा बिनोमियल्स है और कौन कौन सा ट्राइनोमियल्स है, यानी हिंदी में हम लोग कहेंगे कौन कौन सा एक पदी है, कौन कौन सा द्विपदी है और कौन सा त्रिपदी है, उसे छांटना है। जैसे यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन बताएं, 2x प्लस 3y प्लस 5, यह कौन सा होगा हमारा, मोनोमियल्स होगा या बिनोमियल्स होगा या ट्राइनोमियल्स होगा। यह है आपका जो है ट्राइनोमियल्स होगा, एक पदी यानी एक पद दो पद और त्रिपद, यानी तीन पद का है तो ट्राइनोमियल्स हो गया। क्या बना? ट्राइनोमियल्स। और फिर दूसरा लेते हैं 5x, 5x हमारा जो है मोनोमियल्स हो जाएगा, मोनोमियल्स। और तीसरा लेते हैं 2x प्लस 7, यह जो है बिनोमियल्स बनेगा, बिनोमियल्स, बिनोमियल्स हो जाएगा। और फिर चौथा वाला यह तो हो गया, अगर फिर इसी में चेंज करें 2a प्लस 3b प्लस 7, 2a प्लस 3b प्लस 7, यह क्या बनेगा, यह जो है आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। क्या बनेगा? ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स, बिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स या केवल आपको हम दे दें 5, तो यह क्या बनेगा, 5 मिल गया, यह जो आपका यह भी मोनोमियल्स ही होगा।
मोनोमियल्स, ठीक है, क्या बना, मोनोमियल्स। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लें, फिर अगला बताएं। हाँ तो देखिए बच्चों, अब आपको हम बता रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीज गणिती जो है जोड़ और घटाना, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको पढ़ना है। तो जिसमें ऐड में क्या होता है, ऐड, तो ऐड के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐड कैसे क्या होता है। तो ऐड के बारे में आप लोग देखेंगे, टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ग्रुप दी लाइक टर्म्स, टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू आर मोर यानी दो या दो से अधिक एड, टू आर मोर देन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ग्रुप लाइक फ्रैक्शन या ग्रुप लाइक टर्म्स, फ्रैक्शन नहीं बल्कि टर्म बोलेंगे बेटा, क्या, ग्रुप ऑफ लाइक टर्म इज कॉल्ड एडिशन। एड में क्या हुआ कि टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लिख सकते हैं टू आर मोर देन मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एडिशन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और यह क्या होना चाहिए, सॉरी इज कॉल्ड नहीं बल्कि आगे लिखेंगे एक्सप्रेशन एंड वह कैसा हो, एंड ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स, एंड ग्रुप ऑफ लाइक टर्म इज कॉल्ड एडिशन। जब लाइक टर्म का होगा तब उसको हम लोग जो है एडिशन के ग्रुप में रखेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखें, हम आपको दें 2x + 3y, प्लस ऐड करने के लिए कहा जा रहा है प्लस 3x + 5y - 3 प्लस 2x, बल्कि यहां पर हम कर देते हैं 7x + 3y - 8। यह जो है हमारा क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम लोग लाइक फ्रैक्शन से उसका कन्वर्जन कराएंगे, यानी लाइक फ्रैक्शन में उसको मिलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन से उसको जोड़ेंगे, तब वह जो है ऐड का ग्रुप बनाएगा, ऐड होगा। जैसे देखिए, अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3y + 3x + 5y - 3 और प्लस हुआ अगला टर्म 7x + 3y - 8, क्या था, टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ग्रुप ऑफ लाइक टर्म इज कॉल्ड जो है एक क्या बनेगा, एडिशन बनेगा, जब लाइक टर्म को हम लोग चूज करेंगे। अब इसमें लाइक मतलब समान पद का, समान घात का, जैसे यहाँ पर 2x है तो 2x, यहाँ देखिए पावर भी कुछ नहीं है, घात भी कुछ नहीं है, तो यह नहीं कि अगर अक्षर आपका मिल गया, वेरिएबल टर्म्स मिल गया, तो हम कह देंगे कि यह जो है हमारा लाइक टर्म हो गया। उसके साथ साथ हम लोग पावर को भी मिलाते चलते हैं, पावर को भी देखते चलते हैं, जैसे 2x तो 2x की पावर 1 यहाँ पर, तो 2x + 3x,
2x plus 3x plus 7x, तो इस ये हमारा जो है लाइक टर्म हुआ 7 3 10, 10 और 2 12, 12x हो गया। अब चलिए y को लाइक टर्म में देखते हैं, y का लाइक टर्म बना रहे हैं 3y plus 5y plus 3y, तो 5 3 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11y, 11y हो गया। अब इसमें एक जगह हम लोगों को कांस्टेंट भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कांस्टेंट भी इसमें एक जगह दिख रहा है, कितना है वह कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां से हम लोगों को मिल रहा है -3 और -8। आपको यह बताए हुए हैं कि अगर माइनस माइनस रहता है, यानी दो संख्याएं दो नंबर्स ऐसे हो जो माइनस माइनस में हो, यानी दोनों का साइन माइनस माइनस हो, तब क्या करते हैं, नंबर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं और साइन जो है माइनस का रखते हैं, चिन्ह जो है माइनस का रखेंगे, संख्या को जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यह हमारा इसका ऐड मिल गया, इसका ऐड हुआ। तो इस तरह से इस वेरिएबल और कांस्टेंट सॉरी टर्म को जो है, यानी अब इससे हम लोग कह सकते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हमारा बन गया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जो है हम लोग जो है, अगर इसमें हम लोग इसको पूछें इसका जो है टर्म, यह बताइए पॉलिनोमियल्स का टाइप जो था कितने पद का है, कौन सा पॉलिनोमियल्स इसमें है, तो यह जो है हमारा पहला वाला विनोमियल्स बाइनोमियल्स होगा, यह ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, यह भी ट्राइनोमियल्स होगा, आंसर रिजल्ट जो मिला वह भी हमारा किस में मिला, ट्राइनोमियल्स में हो गया। ठीक है, तो नोट कर ले आप लोग, हाँ तो देखिए बच्चों अभी आपको हम ऐड बताए, अब जो है सब्ट्रैक्शन बताना है, सब्ट्रैक्ट बताना है, तो इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू सब्ट्रैक्ट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू सब्ट्रैक्ट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अनदर एक्सप्रेशन फ्रॉम अनदर, फर्स्ट चेंज द साइन, फर्स्ट चेंज द साइन, तो सबसे पहले इसमें हम लोग उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यदि आप लोग डिफिनीशन इसकी लिखनी चाहें तो डिफिनीशन में लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में टू सब्ट्रैक्शन एंड टू सब्ट्रैक्शन टू सब्ट्रैक्शन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम अनदर फ्रॉम अनदर फ्रॉम अनदर अनदर फर्स्ट चेंज द साइन ऑफ फर्स्ट चेंज द साइन ऑफ द साइन साइन ऑफ ईच टर्म ईच टर्म ईच टर्म द अनदर द अदर टर्म्स टू अदर। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग जो है साइन को चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट वाले में साइन को चेंज कर देंगे, जो सब्ट्रैक्शन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके साइन को चिन्ह को बदल देते हैं। तो जैसे देख लीजिए इसका एग्जांपल एक बता देते हैं आपको, 2x plus 3y minus 5z, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपसे,
किससे? 5x माइनस 7y प्लस 9z। तो इसमें कहा जा रहा है कि अंदर टर्म्स जो है, दूसरा टर्म जो है उसके सबसे पहले हम लोग सभी पदों यानी सभी टर्म के साइन को चेंज कर देंगे, सभी पदों का चिन्ह जो है बदल देंगे। 2x प्लस 3y माइनस 5z, यह था, यह पहला टर्म इसका जो है, पहला पद जो है 5x है, इसका साइन प्लस है, चेंज करेंगे तो माइनस 5x हो गया। यह दूसरा टर्म माइनस 7y है, साइन को चेंज करेंगे तो प्लस 7y हो जाएगा। और यह तीसरा टर्म जो है प्लस 9z है, चेंज करेंगे तो माइनस 9z हो जाएगा। अब यहां पर हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर दो संख्याओं यानी टू नंबर का साइन यानी दो संख्याओं का चिन्ह यदि प्लस और माइनस में मिलता है, किसमें मिलता है? प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में मिलता है तो संख्या को घटा देते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लिखते हैं। अगर दोनों का चिन्ह माइनस माइनस मिलता है तो संख्या को जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस का रखते हैं। अगर दोनों प्लस प्लस में मिलता है तो संख्या को जोड़ करके चिन्ह प्लस का रखते हैं। चलिए 2x माइनस 5x, तो यहाँ पर प्लस और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन ग्रेटर नंबर का 5 में से 2 निकल जाएगा, माइनस 3x प्लस 3y प्लस 7y, दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस हो गया, प्लस 10y हो जाएगा। और माइनस 5z माइनस 9z, दोनों माइनस माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 9 5 14 माइनस 14z माइनस 14z। तो इस तरह से आपका जो है सब्ट्रैक्शन हुआ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर आप लोगों से हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद आप लोगों।